मार देंगे भोसी का सिंगा खाना, मर्डर मर्डर है सिंगा खाना, मारे मर्डर है सिंगा खाना, मर्डर है मारे चूर, मर्डर है मारे चूर, गाय मारे चूर सिंगा खाना, कब मर्डर कर दूँ मैं तेरी माँ के चूर, बोलेगा तो मार किस तरह में बोलेगी मैं। सिंगिया थाना क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति जो है लड़का ही है, और वो अपने हाथ में एक देसी कट्टा लहराते हुए थाना को धमकी देने का प्रयास कर रहा है और धमकी दे रहा है। इस संबंध में जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर हम लोगों को प्राप्त हुआ आप लोगों के माध्यम से ही, तो सोशल मीडिया पर हमारे जो सोशल मीडिया सेल है उसने तुरंत इसको संज्ञान लिया और संबंधित थाना को कार्रवाई के लिए दिया था। वीडियो को देखा गया और उसमें जो जगह है उसका सत्यापन किया गया और जो व्यक्ति है उसका सत्यापन किया गया, तो उसका पता चला कि ये शंभू यादव नाम का व्यक्ति है और ब्रजेश यादव नाम का व्यक्ति है, अखा उर्फ गोरखा नाम से है, जो कि कट्टा लिए हुए था। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके पास से कट्टा बरामद हुआ है। इन लोगों से पूछताछ भी हो रही है, तो पूछताछ में ये स्पष्ट हुआ है कि ये तीनों यंगस्टर्स हैं और ये तरह तरह की रील्स बना के सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए। उसी क्रम में ये लोग हथियार से संबंधित शूटिंग का वीडियो बनाते हैं और रील्स बना के सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। ऐसी रील हम लोगों के संज्ञान में आई है और उसी रील के आधार पर इन लोगों की पहचान हुई है, इनके साथ हथियार भी बरामद हुए, इन लोगों को जेल भेजा जा रहा है। सोशल मीडिया सेल लगातार फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, इन सब पर नज़र रखी हुई है। जहां कहीं भी कोई भी नवयुवक इस तरह के कट्टे लहराने संबंधित या अन्य कोई भी ऐसी जिसमें एक्सीडेंट की दुर्घटना की संभावना हो या किसी तरह का डराना हो, समाज में एक डर व्याप्त करने के उद्देश्य से तरह तरह की रील्स बनाई जाती है, अगर ऐसी कोई रील्स बनाई जाएगी तो तत्काल सोशल मीडिया सेल उस पर कार्रवाई कर रही है। और इस बार इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको जेल भेजा जा रहा है। इसमें वीडियो बनाने वाला व्यक्ति जो है वो शंभू यादव था और जिसके हाथ में कट्टा लहरा रहा है वो लड़का ब्रजेश यादव उर्फ गोरखा था। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। थैंक यू।